पैजे बोलो नहीं पैंदी लाहौर बिजी है इधर मेरे मित्र पोला हो रहा लाहौर इधर ध्यान कर अच्छा पुलिस भी किड़ी शरीफ है साढ़े वरी अखा कट दी है तो उसे जज ने पूछा वो तुम उत्ते आसी को वो जी ये साढ़े जाने गल पै गए वो जी सू मेरा मारिया बड़ा वो जी इन्हें बड़ा ही मारिया सू उ आई जी साहब लगे जज वो जी इन्हें मैं बड़ा मारिया साढ़ा डी आई जी जख्मी कर दिता जी वो जी इन्हें मारिया है। ये होते लाल मस्जिद के लोग इन्होंने दहशतगर्द बना के उनको तबाह बर्बाद कर देना था मगर वो न्यासी है इसीलिए उसको माफी है वो लाडला है इसीलिए उसको माफी है वो इनका चहेता है इसीलिए माफी है वो इनका टिशू है इसीलिए माफी है वो इनका मोरा है इसीलिए उसको माफी है। मैं आई सलूट यू कहता हूँ गाजी अब्दुल रशीद साहब को कि तुमने जान दी मोहम्मद अरबी के नाम पे उन पे गोली चली कुरान की वजह से मस्जिद में गोली चली कुरान की वजह से ये न्यासी ने लाहौर में पुलिस पे पेट्रोल बम फकवाए मगर पुलिस आगे से कुछ ना किया क्योंकि वो लाडला है मगर कयामत को जवाब इस रियासत को देना पड़ेगा लाल मस्जिद का कसूर क्या था। पाकिस्तान है हम पुलिस को सीधे हों हमें आगे सीधियां गोलियां बजती चौक यतीम खाने में मौलवियों को भून दिया इन्होंने और ये बैठे हैं ताले लगाकर जबानों पे जबाने खलक नकारा खुदा होती है। ये मेरा पैगाम है पूरे पाकिस्तान में कि ये कब तक तुम्हारा जुल्म चलेगा इन्हें भी सुन ले इस मुल्क पे मौला का करम होके रहेगा ये दहर किसी रोज हरम होके रहेगा इंशाल्लाह हजूर का निजाम आएगा इंशाल्लाह ऊंची बोले हजूर का निजाम जिस मुल्क की पुलिस जज साहबान के जाके सामने रोए और जज साहबान कहे कोई बात नहीं प्रेशर रोक दे इनको कुछ ना कहें फिर क्या बनेगा रियासत का हमारी निकी जी स्पीकरी उत्ते चले तो सानू अंदर ले जाते स्पीकरी है उत्ते केड़ा ओदे तो शहीन मजाइल निकलता बोलो यार ते सानू अंदर उसले देंदे ये कयामत से हमारा इत्थे तो मैं केस नहीं दायर कर क्योंकि साड़ी केस सुननी नहीं वकील भी उन्हां दे जज भी उन्हां दे अदालतां भी उन्हां दीआं जत्थे बना के पै जांदे बोलो बदमाशी है जत्थे बना के पैंदे पर उत्थे तो नहीं ना किसी का जत्था चलना। मैं लाल मस्जिद का केस लेकर खड़ा होऊंगा और कहूंगा मालक उधर लाल मस्जिद थी इधर जमान पार्क बताएं आज कहता मुझे इंसाफ दो वो डॉक्टर ताहरुल कादरी के बच्चे नहीं थे वो लोगों को तो आज तक इंसाफ नहीं मिला जिसने तेरे साथ मिलकर धरना दिया था तू अपने कजन को इंसाफ नहीं दिया जिसके पीछे ईद पड़ी थी खुतबे से पहले नासर मदनी बिना दलील के बात नहीं करता अपनी अपनी पार्टी में रहो मगर सवाल भी करो इन लोगों से कि इंसाफ दो क्यों है गरीब के लिए और अमीर के लिए शरीफ के लिए और बदमाश के लिए जरा ना बोलो भी बदमाश उच्ची बोलो बदमाश के लिए शरीफ के लिए शरीफ नू आंदे तुन्नी जाओ इन्हें सही जानी है जेड़ा बदमाश है वो चार पाँच हज़ार मुंडा लैके तो बूहे तोड़ के अंदर बढ़ जाए कोई बात नहीं लीडर है पॉपुलर है जज कहे कि ये लीडर पॉपुलर है तो फिर जज कौन सा पॉपुलर रहा जज की अदालत में तो कोई पॉपुलर नहीं वहाँ इंसाफ होता है मुझी बोलो वहाँ क्या होता है। आज की तकरीर तुम याद रखोगे कबीर वाले कि यार कोई मौलवी आया था और उसने दलेरी से ये बातें की हर लिख ले ये मेरी बातें तारीख इंशाल्लाह पुकारेगी कि जब कोई मौलवी ना बोला था और नासर मदनी बोला था और खड़ा था और कितने साल बाद गाजी अब्दुल रशीद का मुकदमा लड़ा था तारीख अपने आप को दोहराती बोलो तारीख अपने आप को जो अपने तो गोली आवे ना फिर पता लगता है की बन किसते चलानी औखी है सौखा काम है जो मर्जी करिए
अनबेटा बैठ जा, ऐसे ना किया करे, नीचे बैठ जा, मेरा चंद तेन की चमूने लड़े ने, तो तू उठ पे बैठ जा नीचे। हर घर मावा नहीं टिकन देंदे, इतने मौलवी नहीं जो टिकन देंदे, बैठ जा ध्यान ना मैं मारा। जो लगभग सुनने वाला इन्ने मुसलमान बैठे, मैं भी मां बाप